आज हम बनाने वाले हैं सेपूची वड़ी। सेपू में होता है बहुत सारा विटामिन ए और विटामिन सी, इसे अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप सेपू की भाजी को धोकर अच्छे से काट लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में ले लेंगे 1/4 कप धनिया। अब जाएगा अदरक। 6 से 7 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 2 तीखी वाली हरी मिर्च और लास्ट में जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा। सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी मिलाएंगे और मिक्सर को हम अच्छे से पीस लेंगे। मसाले को हमने दर दरा सा पीस लिया है। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम ले लेंगे सेपू की भाजी। अब इसके अंदर जाएगा हमने जो मसाला पीस के रखा था वो। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप बेसन, साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप चावल का आटा। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें थोड़ा लिक्विड बैटर चाहिए तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आटा मैंने तैयार किया है वो ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम। अब एक थाली ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और थाली को तेल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से तेल। अब ये जो मिक्सचर है इसे हम थाली में अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर भी हम थोड़े से तेल स्प्रिंकल कर लेंगे। स्टीमर हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी वड़ी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। सेपू की वड़ी जो है वो मैंने पतली बनाई है क्योंकि मुझे कुरकुरी पसंद है। आप इसे थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं। अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे। अब हम सारी वड़ियों को शैलो फ्राई कर लेंगे। सारी वड़ियों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। सारी वड़ियां दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देते हैं। हमारी सेपूची वड़ी बनके तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा।